नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेजी फोर ट्यून्स पर। दोस्तों, पवनदीप और अरुणिता इस महीने में सबसे ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं और अब तक 11 लाइव कॉन्सर्ट्स का ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है। ये सभी कॉन्सर्ट्स उनके फैंस के लिए एक बेहद खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं इन कॉन्सर्ट्स का डिटेल्ड शेड्यूल और इनकी खासियत। अरुदीप के सभी शो न सिर्फ उनके फैंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट है बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी और हार्ड वर्क का भी प्रमाण है। चलिए इन कॉन्सर्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले 2 नवम्बर को अरुदीप कोलकाता में दिवाली स्पेशल कॉन्सर्ट परफॉर्म करने वाले हैं। दिवाली के मौके पर ये कॉन्सर्ट एक शानदार शुरुआत। कोलकाता, जो कि अपनी रिच कल्चर और फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है, इस कॉन्सर्ट को और भी खास बना देता है। दिवाली की लाइट्स और सेलिब्रेशंस के बीच अरुदीप अपने सोलफुल परफॉर्मेंसेस से इस रात को यादगार बनाने वाले हैं। उसके बाद 6 नवम्बर को अरुदीप छत्तीसगढ़ के लिए उड़ान भरने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का म्यूजिकल सीन काफी वाइब्रेंट है और यहाँ के लोगों का म्यूजिक के प्रति जुनून अलग ही लेवल का है। अरुदीप का परफॉर्मेंस यहाँ उनके फैंस के लिए एक बेहद एक्साइटिंग मोमेंट होगा। हम सब जानते हैं कि अरुदीप अपने परफॉर्मेंसेस के लिए कैसे मशहूर हैं, तो उनका ये कॉन्सर्ट भी बिल्कुल खास होगा। फिर 8 नवंबर को अरुदीप कतर में परफॉर्म करेंगे। कतर में इंडियन कम्युनिटी काफी बड़ी है और वहां के लोग उनकी म्यूजिक को पसंद करते हैं। ये कॉन्सर्ट उन लोगों के लिए एक अनोखा मौका होगा अपने फेवरेट सिंगर को लाइव देखने का। इस कॉन्सर्ट में अरुदीप अपने पॉपुलर हिट्स के साथ साथ कुछ नया भी परफॉर्म कर सकते हैं जो उनके फैंस को सरप्राइज करे। अब बात करते हैं पवनदीप के सोलो शो की, जो 10 नवंबर को मुंबई में है। पवनदीप का सोलो परफॉर्मेंस उनकी म्यूजिकल जर्नी का एक नया चैप्टर है। इस शो में उनके फैंस को उनकी वॉयस का असली मैजिक देखने को मिलेगा। मुंबई, जो कि एंटरटेनमेंट का हब है, ये शो वहां की ऑडियंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट होगा। इस परफॉर्मेंस में वो अपने कुछ नए गीत और फेवरेट ट्रैक्स परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद 12 नवंबर को पवनदीप एक और शो करेंगे मुंबई में। ये कॉन्सर्ट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने फैंस के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। मुंबई की रातों की चमक और उनका परफॉर्मेंस दोनों ही एक साथ मिलकर एक शानदार एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। इस शो में उनका एनर्जी और ऑडियंस का एक्साइटमेंट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। 14 नवंबर को पवनदीप कुवैत में परफॉर्म करने वाले हैं। कुवैत का म्यूजिकल सीन अलग है और यहाँ का एटमॉस्फियर पार्टी मूड का होता है। पवनदीप का परफॉर्मेंस यहाँ के वाइब को और भी एनहांस करेगा। कुवैत की रात और उनका म्यूजिक दोनों मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। फिर 16 नवंबर को अरुदीप एक बार फिर कोलकाता में परफॉर्म करेंगे। उनका ये कॉन्सर्ट वापस से कोलकाता के फैंस के लिए एक खास अपॉर्चुनिटी है। अरुदीप के लाइव परफॉर्मेंसेस का मैजिक कुछ अलग ही होता है और उनका ये कॉन्सर्ट उनके लोकल फैंस के लिए एक मस्ट अटेंड इवेंट होगा। उसके बाद 23 नवंबर को अरुदीप नाइजीरिया के लिए उड़ान भरने वाले हैं। ये कॉन्सर्ट उनके इंटरनेशनल फैन बेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। नाइजीरिया में इंडियन म्यूजिक का क्रेज काफी बढ़ रहा है और वहां के लोग उनकी परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करने वाले हैं। ये एक हिस्टोरिक कॉन्सर्ट होगा क्योंकि अरुदीप अपने टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके बाद बारी हमारे असम की। जी हाँ, 25 नवंबर को पवनदीप असम में परफॉर्म करने आ रहे हैं। असम का म्यूजिकल हेरिटेज और कल्चर बहुत रिच है और यहाँ के लोगों को म्यूजिक से काफी प्यार है। पवनदीप का परफॉर्मेंस फैंस के लिए एक बेहद खास मोमेंट होगा। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका ये कॉन्सर्ट अनफॉरगेटेबल होगा। दोस्तों, 25 नवंबर को अरुणिता भी छत्तीसगढ़ में अपने फैंस को एंटरटेन करने आएंगी। उनका परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ के लोकल ऑडियंस के लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। अरुणिता की वॉयस और उनके सॉन्ग्स दोनों ही उनके फैंस को बेहद पसंद हैं और ये कॉन्सर्ट उनके लिए एक स्पेशल ट्रीट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 29 नवंबर को अरुणिता असम में परफॉर्म करने वाली है। असम का कल्चरल सीन काफी वाइब्रेंट है और यहाँ उनका कॉन्सर्ट उनके फैंस के लिए एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी होगी। अरुणिता की परफॉर्मेंसेस हमेशा एक यूनिक टच देती है और उनका ये कॉन्सर्ट भी किसी भी तरह से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का नवंबर कॉन्सर्ट शेड्यूल। ये कॉन्सर्ट्स न सिर्फ उनके फैंस के लिए एक ट्रीट है बल्कि इनकी पॉपुलैरिटी का भी सबूत। हर कॉन्सर्ट अपने आप में खास है और उन्हें देखने का मौका मत चूकिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल क्रेजी फोर ट्यून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।